जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल का। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गाइस और बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं आप। यही है हावड़ा ब्रिज। देखिए गाइस, इधर से आदमी आ रहे हैं, इधर से भी। ये देखिए गाइस, एक पार्क है, बहुत ही बढ़िया पार्क देखने में लग रहा है। इसमें एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ भी हैं। गाइस वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियोस। तो गाइस, आज के दिन हमारे लिए तो बहुत ही काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता। गाइस, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं अभी तक कहीं कोलकाता अभी तक नहीं गया था। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं। अभी अपने यहाँ पर ऑटो का वेट कर रहे हैं, उसके बाद चलेंगे जमनिया, उसके बाद स्टेशन पकड़ के हावड़ा ब्रिज, उसके बाद कोलकाता। चलिए गाइस, चलते हैं। आज हम लोग अभी जमनिया स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और अभी जो बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं, और जो हमारी ट्रेन है वो अभी 7 बजे की है, और जब 1 घंटे बाद ट्रेन आएगी उसके बाद बैठेंगे, और उसके बाद चलेंगे यहाँ से सीधे हावड़ा ब्रिज। तो चलिए गाइस, तब तक 1 घंटे वेट करते हैं अपनी ट्रेन के, उसके बाद चलते हैं हावड़ा ब्रिज। तो गाइस, अभी हम लोग जमनिया स्टेशन पर है, तो हम आपको जमनिया स्टेशन के कुछ व्यूज़ दिखा दे रहे हैं कि नहीं, जमनिया स्टेशन का प्लेटफार्म कैसा है। तो चलिए, अभी तो कुछ शाम हो गया है, फिर भी दिखा दे रहे हैं आपको। देखते हैं गाइस, वो जो लास्ट वाला पर्सन है वो उधर का लास्ट है, जमनिया स्टेशन का पटरी का, और इधर भी यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा एकदम जमनिया स्टेशन है, और इस समय कुछ ज़्यादा नहीं बट बहुत ही भीड़ है। तो फाइनली गाइज, हम लोग जमनिया स्टेशन से लेकर रात भर के सफ़र में अभी हम लोग सीधा पहुंच चुके हैं हावड़ा स्टेशन। गाइज, अभी देख सकते हैं कि अभी हम लोग अभी हावड़ा स्टेशन के पास हैं, हावड़ा स्टेशन में हैं, अभी जा रहे हैं आगे, बस और पकड़ेंगे उसके बाद चलेंगे आगे। गाइज, अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, और गाइज यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है कि पूछो ही मत। गाइज देखिए, हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है यही है हावड़ा स्टेशन। गाइज बहुत ही ज़्यादा इधर भीड़ है, और गाइज इधर देख सकते हैं वो जो फिल्में दिखाई जाती है, पीले पीले रंग की जो गाड़ियाँ इधर बहुत ही काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलते ही आते आते हमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ और वेस्ट बंगाल की बहुत ही फेमस चीज़ दिखाई दिया, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल का। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गाइज, और बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं आप। यही है हावड़ा ब्रिज। अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन से बस पकड़ के अभी आए हैं धर्मतल्ला, और यहाँ से अभी जाएंगे चांदनी चौक, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना होगा। चलिए, अभी लैपटॉप लेंगे, वहाँ से एक नया लैपटॉप लेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। देखिए गाइज, एक पार्क है, बहुत ही बढ़िया पार्क देखने में लग रहा है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ भी हैं। गाइज, अभी हम लोग कोलकाता के चांदनी चौक के आई मार्ट में, इधर एक स्टोर है, एक बहुत ही बड़ा स्टोर जिसमें लैपटॉप मोबाइल शॉप की सारी दुकानें हैं, जिसमें चारों तरफ सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल की दुकानें भरी पड़ी हैं। जिधर देखो उधर सब लैपटॉप की दुकान और मोबाइल की दुकान है, चारों तरफ ऊपर से लेकर नीचे फ्लोर तक, पूरे पीछे से लेकर आगे तक पूरे मोबाइल की दुकानें और लैपटॉप की दुकानें हैं। तो चलिए, अभी चलते हैं, एक लैपटॉप लेना है, और लैपटॉप लेकर चलेंगे उसके बाद अपने रूम पर। गाइज, अभी एक हम लोग स्टोर में आए हुए हैं, और यहाँ पे एक लैपटॉप देख रहे हैं, देखते हैं कौन सा लैपटॉप और पसंद आता है। देखिए, हमारे चारों तरफ सेकंड हैंड सब लैपटॉप रखा गया है, और यहीं से लैपटॉप लेंगे उसके बाद चलेंगे। आज हम लोग लैपटॉप वैपटॉप लेकर अभी चल दिए हैं, देखिए लैपटॉप आ गया है हमारे हाथ में। देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ सब शॉप दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, लैपटॉप और मोबाइल का शॉप इसमें है, ये चांदनी चौक में है, आए हैं इस मार्केट में कोलकाता में, एकदम चारों तरफ एकदम लैपटॉप और मोबाइल का ही शॉप है इसके अंदर। अभी जो है हम लोग अभी सियालदा मार्केट में है, अभी देख सकते हैं कि यहाँ कोलकाता के सियालदा मार्केट कैसा है, और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, स्टेशन के जाने के बाद वहाँ पर ट्रेन पकड़ेंगे, और ट्रेन पकड़ने के बाद अभी देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं स्टेशन पर, हाँ जगदल जाएंगे, हाँ स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन पकड़ने के बाद जाएंगे जगदल। और अभी इधर थोड़ा सा बारिश भी हो रखी है, और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, देख सकते हैं कि इधर का जो मार्केट है वो कैसा सब लगा हुआ है। तो चलते हैं अभी गाइस स्टेशन। गाइस, अभी हम लोग स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं, यानी स्टेशन में भी पहुँच चुके हैं। तो चलिए, अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं आगे जगदल, और वहाँ से फिर चलेंगे घर। चलिए, अभी चलते हैं, देखते हैं स्टेशन।
जो है हम लोग अभी सियालदह स्टेशन पहुंच चुके हैं और चलते हैं अभी टिकट लेने, और टिकट लेने के बाद अभी चलेंगे जगदल। तो चलिए अभी चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो गाइस अभी हम लोग स्टेशन के अंदर पहुंच चुके हैं और गाइस देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, और ये स्टेशन कितना ही बहुत ही बड़ा स्टेशन है। अभी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ है स्टेशन पर। देखिए गाइस इधर से आदमी आ रहे हैं, इधर से भी, ये देखिए इधर भी कितना बड़ा स्टेशन, उधर अभी जाना है, इधर जाने के लिए कितना जगह है। तो गाइस हमारे पीछे जो भी आप ट्रेन देख रहे हैं यही ट्रेन है जगदल जाने के लिए, और इसी में बैठेंगे और यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट जगदल। और भीड़ तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेन में, चलिए इसमें बैठ कर चलते हैं डायरेक्ट जगदल। गाइस हम लोग अभी जगदल आज पहुँच चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा जो घर है वो है। तो चलिए अभी चलते हैं रूम पर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज मैं अभी आपको जगदल स्टेशन का कुछ व्यू दिखा दे रहा हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है, और मौसम काफ़ी आज सुहावना है, तो अभी देख सकते। ये देखिए गाइस जगदल स्टेशन का व्यूज़ है जो काफ़ी सुंदर दिखने में लग रहा है, और आज का मौसम बेहद ही खूबसूरत है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है। गाइस अभी हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं, अभी हम अपने घर के छत पर हैं भी अपने दीदी के। तो अभी यहाँ का कुछ नज़ारा आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। गाइस अभी देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है इस गांव का, इस छत क्षेत्र का, वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सुहावना देखने में लग रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है आपको एकदम चारों ओर दूर दूर तक। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, जिन्होंने अभी तक इस ब्लॉग में हमारी इस जर्नी में यहाँ तक साथ दिया उनके लिए दिल से धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और